लॉस सैंटोस के अंदर हम लोग को एक और रैंप चैलेंज मिल चुका है, बट यार गाइस इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज है। और ये सामने की तरफ भी मुझे कोई ना कोई मैजिकल गेट दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या चीज है यार गाइस। हम लोग ऑर्गेनाइजर को चेक करते हैं। और एक मिनट, ये तो मैक्सिकन माफिया वाले हैं। अमेटी, बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने लॉस सैंटोस के अंदर मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज ऑर्गेनाइज किया, क्या तुम इसको क्लियर कर सकते हो? मैं तो सारे के सारे मेगा रैंप पार्कोर चैलेंजेस को क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन इस वाला चैलेंज में खास बात क्या है? वो अभी जब तुम आगे जाओगे उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं सामने जाके चेक करता हूँ यार गाइस। दिखने में तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रैंप के स्टार्ट में हम लोग को साइकिल मिल गई है। और एक मिनट, मुझे यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक मारनी है, अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे नीचे की तरफ यार गाइस। साइकिल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई होप के यार गाइस मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मुझे जल्दी से ऊपर जाना है। साइकिल धीरे धीरे जा रही है और फाइनली यार गाइस हो गया है। लेकिन यार हमें दे, ये क्या चीज है? मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई टनल है, लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे? अंदर तो तुम चले जाओगे, लेकिन अमेटी तुम्हें चोट भी लग सकती है। वो तो मुझे पता है यार गाइस, काफी ज्यादा खतरनाक चोट लग गई है, लेकिन मैं भी इधर ही हूँ, मेरी साइकिल भी इधर ही है। अगर तो तुम नीचे गिर जाते तो फिर उसके बाद तुम डिस्क्वालिफाई हो जाते। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि यार गाइस मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, मुझे अभी साइकिल को यहाँ से टर्न करना है। जगह बहुत ही थोड़ी सी है और इतनी सी जगह से साइकिल तो मेरे ख्याल से टर्न नहीं करने वाली है। हाँ भाई साहब, मुझे अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अरे देख लो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि रास्ता बहुत थोड़ा सा है। और एक मिनट, एक तो यार गाइस ये साइकिल भी कुछ ज्यादा ही तेज है, हल्का सा पैडल मारता हूँ बाकी तो खुद ब खुद चलने शुरू हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे तो साइकिल नहीं चलानी आती यार। साइकिल तो मुझे भी सही से चलाने नहीं आती है चौप, लेकिन मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे की तरफ। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे। अभी तो शुरुआत है अमेटी, तुम देखना कि आगे तुम्हारे साथ होता क्या है। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं ये साइकिल वाला रास्ता क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि आगे हम लोग के साथ क्या होता है। लेकिन यार हमें तो वो देखो सामने की तरफ, पता नहीं क्या चीज है। सिंचन ज्यादा आगे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे बुगाटीज खड़ी हुई है। इन वाली गाड़ियों को देख के तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि तुमने करना क्या है। हाँ मुझे इतना पता चल गया है कि सामने की तरफ काफी ज्यादा खतरनाक वॉल राइड है। तो फिर यार हमें आप हम लोग क्या करेंगे? सिंचन सामने वाली वॉल राइड को क्लियर करेंगे और क्या करेंगे? मुझे धीरे धीरे जाना होगा आगे की तरफ। मैं तो बोलता हूँ कि फुल स्पीड से जाओ यार। ठीक है चौप, मैं फुल स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन ये 360 लूप था। और एक मिनट भाई साहब, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे मुझे ब्रेक लगानी होगी। लिटरली मैं यार गाइस, ये रास्ता तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम्हें पता चला है कि तुम कहाँ से नीचे आए हो? एक मिनट, मैं पीछे जाके चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दिया। लेकिन यार हमें आपने बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ते को क्लियर किया है। एक मिनट भाई साहब, वो ऊपर से मैं नीचे आया हूँ लेकिन मैं बच गया हूँ। इसका मतलब ये है कि सामने वाला रास्ता भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अमेटी, सामने से रास्ता नहीं है, सामने की तरफ वॉल राइड है। ये किस तरह की वॉल राइड बना दी है यार गाइस? सामने की तरफ तो 90 डिग्रीज का रोड है और फिर उसके ऊपर एक वॉल राइड है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है, लेकिन देखो जो भी है यही है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको भी क्लियर कर लूंगा यार गाइस। गाड़ी हम लोग की काफी ज्यादा ओपी है। आई होप कि यार गाइस ये नीचे नहीं गिरेगी। काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है और हो गया था। लेकिन यार हमें तो अब तो गिर गए। सिंचन में गिर तो गया था, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी देख लो, अगर गिव अप करना चाहो तो यहीं से कर सकते हो। लगता है कि तुम पागल वागल हो गए हो। गिव अप तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम इस वाले चैलेंज को क्लियर किस तरह करते हो। करके दिखाऊंगा मैं। मुझे पता है कि तुम्हारा रैंप काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं इसको क्लियर करूंगा। बट अभी देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। साइकिल वाला रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सिंचन को साइकिल चलाने आती है। और भाई साहब, गया सिंचन सीधा नीचे की तरफ। लेकिन यार हमें तो साइकिल नीचे गिर गई। हाँ सिंचन, साइकिल नीचे गिर गई है। खैर कोई बात नहीं, तुझे यहाँ से पैदल जाना होगा। लेकिन यार हमें तो मुझे तो साइकिल पे जाना है। साइकिल तो सिंचन चली गई ना नीचे पानी के अंदर, अभी साइकिल वापस नहीं आने वाली है। सामने की तरफ बुगाटीज है और वो रास्ता भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी खतरनाक नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान रास्ता है। गाड़ियां देखो कितनी ओपी है यार। ये तो हम लोग के पास प्लस पॉइंट है यार गाइस, गाड़ियां वाकई में काफी ज्यादा ओपी है। ये सारी की सारी बुगाटीज है। तो फिर यार हमें इसका मतलब ये कि मैं इसको क्लियर कर लूंगा। सिंचन मुश्किल लग रहा है, रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, तुझे सही टेक्निक को यूज करना होगा। देखते हैं कि यार गाइस सिंचन क्या करता है। रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, 360 लूप सिंचन ने क्लियर कर लिया है। और अभी यहाँ से सिंचन ने जाना है बिल्कुल ऊपर की तरफ। सिंचन ये एक वॉल राइड है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिंचन से ये रास्ता कभी भी क्लियर नहीं होगा यार। जॉब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सिंचन की गाड़ी किधर जा रही है। भाई साहब ये कैसे कर सकता है? अरे यार हमें क्या लगता है कि मैंने कर लिया। सिंचन मुझे भी ऐसा ही लगता है तूने कर लिया, बट यार गाइस ये लिटरली में इम्पॉसिबल रास्ता है, बट सिंचन ने कर लिया है। इसका मतलब ये कि सिंचन कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है यार। वही तो मैं देख रहा हूँ जॉब, पता नहीं कैसे घुमा के गाड़ी को सिंचन यहाँ पे लेकर आ गया है। मानना पड़ेगा यार गाइस सिंचन का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अरे हाँ यार हमें तो मैंने इतनी ज्यादा वॉल लाइट्स को क्लियर करके रखा है। हाँ सिंचन, लेकिन ये 360 लूप काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे गया नीचे। अगर तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती तो फिर हो जाता। सिंचन ने भी काफी ज्यादा अच्छा खेला है और हामिटी तुमने भी अच्छा खेला है, लेकिन ये चौप
चॉप क्या करेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ, चॉप क्या करेगा? चॉप साइकिल चलाने आती है क्या? साइकिल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन मैं फिर भी इसको क्लियर करूंगा यार। धीरे धीरे चॉप, मुझे पता है कि तू साइकिल नहीं चला सकता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है चॉप को। बट यार गाइस ये जा रहा है आगे की तरफ, और अब अगर चॉप तू यहाँ तक पहुंच गया इसका मतलब ये कि तू सीधा एंड पे जाएगा। एंड पे जाने के सपने में देख नहीं सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाली टनल को क्रॉस करना है यार। टनल को क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये गया भाई साहब, चॉप सीधा नीचे जाके गिर गया है। और एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे यार हमें तो चॉप तो गिरे नहीं, सिंचन चॉप भी नहीं गिरा और चॉप की साइकिल भी नहीं गिरी है। लेकिन चॉप तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा साइकिल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा साइकिल का एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं किस तरह ये वाला ट्यूब मैंने क्लियर कर लिया यार। ओपी खेल रहा है चॉप, काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है। और अब ये सामने की तरफ ब्लू वाली बुगाटी तेरी खड़ी है, अगर तो तूने बुगाटी वाले रास्ते को क्लियर कर लिया उसके बाद मैं मान जाऊंगा कि चॉप तू काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है। लगता है कि आप भूल गए हो कि कल वाला पार्कोर भी मैंने क्लियर किया था यार। पार्कोर को छोड़ चॉप, वो देख एरोप्लेन कहां से जा रहा है। तुम लोग एरोप्लेन की फिक्र मत करो, एयरपोर्ट वालों को हम लोगों ने पैसे दे के रखे हैं। इतना तो मुझे पता है यार गाइस, ये मैक्सिकन माफिया वाले हैं और इन लोग के पास काफी ज्यादा पावर होती है, इन लोग की लिंक्स भी काफी ज्यादा ऊपर तक हैं। बट एक मिनट चॉप, तुझे गाड़ी को कंट्रोल करना होगा। गाड़ी को क्या घंटा कंट्रोल करूंगा, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा यार। देखना पड़ेगा चॉप, तुझे अभी देखना पड़ेगा वो सामने की तरफ देख क्या चीज है। यही तो मैं देख रहा हूँ, ये वाला रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। लेकिन चॉप देख, सिंचन ने क्लियर कर लिया तो फिर इसका मतलब ये कि तू भी कर सकता है। इसी बात की तो मुझे खुशी हो रही है, अगर सिंचन ने कर लिया तो फिर मैं भी करके दिखाऊंगा यार। ठीक है तो फिर यार गाइस देखते हैं कि अभी चॉप क्या करता है। रास्ता तो लिटरली में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चॉप अभी तक बहुत ज्यादा ओपी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब चॉप ने भी कर लिया। ये कैसे हो सकता है यार गाइस, सिंचन ने भी क्लियर कर लिया और चॉप ने भी क्लियर कर लिया है। इतना ज्यादा खतरनाक रास्ता मैंने क्लियर किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। तुझे देख के चॉप मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन सामने की तरफ 360 लूप है, अब अगर मैं इतनी ज्यादा खतरनाक वॉल राइड को क्लियर कर सकता हूँ तो फिर ये 360 लूप भी क्लियर करूंगा यार। लेकिन सिंचन से नहीं हुआ था, देखते हैं कि चॉप क्या करता है। लेकिन यार हमें तो लगता है कि आज वाला चैलेंज चॉप जीत जाएगा। ऐसे कैसे जीतेगा सिंचन, अभी तक तो मैंने बारी की नहीं है। ये 360 लूप है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बट यार गाइस चॉप ने ये भी कर लिया, इसका मतलब ये है कि चॉप जीतेगा। वो तो मैं बाद में जीतूंगा, लेकिन ये सामने की तरफ क्या चीज है यार? वॉल राइड है चॉप, एक और वॉल राइड है। हां बेटी अभी तो शुरुआत है, तुम देखते जाओ कि यहां पे होता क्या है। वही तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, रास्ता तुमने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक बना के रखा है। लेकिन देखते हैं कि चॉप ये वाली वॉल राइड क्लियर कर पाता है यहां पे नहीं। ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन चॉप के पास गाड़ी भी तो ओपी है यार गाइस, ये रास्ता भी इसने क्लियर कर लिया है। अब अगर मैंने ये वाला रास्ता क्लियर कर लिया तो फिर इसका मतलब ये कि मैं जीतूंगा यार। यही तो मैं देख रहा हूं चॉप, अभी तक पता नहीं क्यों तू नीचे नहीं गिर रहा यार गाइस। बैक टू बैक सारे के सारे खतरनाक रास्तों को चॉप क्लियर करता जा रहा है, और इसका मतलब ये कि जीतेगा। बट नहीं यार गाइस, ये रास्ता नहीं हुआ। तुम तीनों तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट निकले, मुझे लगा था कि तुम लोग से ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। लेकिन अभी तक मैंने बारी नहीं की है, सिंचन ने भी क्लियर कर लिया, चॉप ने भी क्लियर कर लिया है। और यार गाइस अभी आती है मेरी बारी, रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसको क्लियर करना होगा। अभी तक तो मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा ओपी कंट्रोल कर रहा हूँ और पता नहीं कहाँ पे निकल गया। अरे यार हमें तो आपने भी क्लियर कर लिया। हाँ सिंचन लगता है ऐसा ही है कि मैंने भी क्लियर कर लिया। और फाइनली यार गाइस गाड़ी को मैंने बिल्कुल सही जगह पर लैंड किया। रुक जाओ यहाँ पे, मुझे लगा था कि नीचे जाएगी, बट यार गाइस मैं बच गया हूँ। वॉल राइड को तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन ये 360 लूप किस तरह क्लियर करोगे यार? जिस तरह तूने क्लियर किया चॉप, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी इस वाले 360 लूप को क्लियर करने वाला हूँ यार गाइस। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर यार हमें तो हम लोग इसको किस तरह क्लियर करेंगे? करना तो पड़ेगा सिंचन, मेरे पास एक टेक्निक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपनी टेक्निक को यूज नहीं किया है। तो फिर यार हमें तो आप मुझे बताओ कि क्या टेक्निक है सिंचन? टेक्निक ये है कि गाड़ी की स्पीड को ज्यादा तेज नहीं करना है। और फाइनली यार गाइस सिंचन ने भी क्लियर कर लिया है। अभी सामने की तरफ एक वॉल राइड है, सिंचन भी ओपी खेल रहा है, चॉप भी ओपी खेल रहा है, मैं पता नहीं क्यों अभी तक इतना ज्यादा पीछे रह गया हूं। इसका मतलब ये कि आप हारोगे यार। हां बेटी तुम्हें सही से खेलना होगा, क्योंकि मेरे चैलेंज का प्राइस बहुत ज्यादा ओपी है। अपनी तरफ से तो मैं काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जो तुमने वॉल राइड्स को बना के रखा है ना, ये सारी की सारी वॉल राइड्स काफी ज्यादा खतरनाक है। और यार गाइस सिर्फ वॉल राइड्स नहीं है, यहां पे साथ में ये वाले 360 लूप भी है। अरे कैसे कर लिया सिंचन तुमने? मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे किया है, बट यार गाइस कर लिया इसने। इसकी गाड़ी के पहियों के निशान देखो यार गाइस, यहां से इसकी गाड़ी टेढ़ी हो गई थी, उसके बाद सिंचन ने अपनी गाड़ी को यहां से सीधा किया है। मुझे लगा था कि नीचे गिरेगा, बट नहीं यार गाइस सिंचन अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहा है। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि मैं जीत जाऊंगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं सिंचन। ये वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। और एक मिनट भाई साहब, सिंचन अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहा है, गाड़ी को रोकना होगा और बच गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिंचन बार बार बच कैसे रहा है, सिंचन चीटिंग तो नहीं कर रहा यार? नहीं चॉप चीटिंग नहीं कर रहा सिंचन, लेकिन मेरे ख्याल से सिंचन का बुगाटी के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा ओपी है। अरे हाँ यार हमें तो मुझे गाड़ी बहुत ज्यादा ओपी चलाने आती है, वो तो हम लोगों ने सिंचन देख ही लिया है। गाड़ी तो वाकई में काफी ज्यादा ओपी चला रहा है, लेकिन यहाँ पे इससे ब्रेक नहीं लगी, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमें आप मेरी तारीफ मत किया करो। ठीक है सिंचन, आज की बात मैं तेरी तारीफ नहीं करूंगा, बट अभी देखते हैं कि चॉप क्या करता है यार गाइस। चॉप भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और गाड़ी भी ओपी है, लेकिन ये क्या किया तूने चॉप? लगता है कि आपको मेरी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी यार। मैं समझ गया हूँ चॉप, तू और सिंचन तारीफ के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे पास मौका अच्छा है हमेटी, इसका फायदा उठाना। ठीक है फायदा तो मैं उठाने वाला हूँ यार गाइस, गाड़ी को मुझे कंट्रोल करना है और काफी ज्यादा
ज्यादा मुश्किल रास्ता था बट मैंने कर लिया है। अभी सामने की तरफ इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ता है। आई होप कि यार गाइस मैं ये भी क्लियर कर लूंगा। गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और ये भी हो गया। आई होप कि यार गाइस गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, अभी तक रुक नहीं रही है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गई। मुझे लगा था कि नीचे जाएगी बट यार गाइस हम लोग की गाड़ी सेफ है। फोकस करो हामेटी, फोकस करो, प्राइस बहुत ज्यादा ओपी है। ठीक है एक सेकंड रुक जाओ, चौप पीछे की तरफ खड़ा हुआ। यार गाइस मैंने चौप को तो क्रॉस कर लिया, अभी बस मुझे फोकस करना होगा क्योंकि यार गाइस सिंचन काफी ज्यादा आगे निकल गया और एक मिनट में भी बच गया। नीचे गिरने वाला था बट यार गाइस बच गया हूं। इतना ज्यादा ओपी पता नहीं आप लोग कैसे खेल रहे हो यार, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। चौप लगता है कि गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है। हां हां बेटी गाड़ी तो ओपी है लेकिन तुम लोग का गाड़ी के ऊपर कंट्रोल भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हां वो तो मुझे पता है हम लोग का कंट्रोल कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ये भाई साहब सामने की तरफ सिंचन खड़ा हुआ है लेकिन यार हमें तो आप मुझसे आगे निकल गए। आप लोग यार गाइस एक काम करो कि मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा और आप लोग किसकी टीम के अंदर हो। अगर आप लोग मेरी टीम के अंदर हो तो कमेंट करके हामेटी ओपी लिख देना, और अगर आप लोग सिंचन की टीम के अंदर हो तो कमेंट करके सिंचन ओपी, और अगर आप लोग चॉप की टीम के अंदर हो तो कमेंट करके चॉप ओपी लिख देना। सारे के सारे मेरी टीम के अंदर आएंगे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूं यार। वो तो अभी हम लोग कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसकी टीम के अंदर है। लेकिन फाइनली यार गाइस गाड़ी वाला रास्ता मैंने क्लियर कर लिया है। अभी तक तो सबसे ज्यादा आगे आप ही हो लेकिन मुझे पता है कि मैं जीतूंगा यार। देख लेंगे चॉप, वो तो अभी हम लोग को जल्दी पता चल जाएगा। और यार गाइस मुझे पता है कि आप में से 50 या फिर 70% लोग तो मेरी टीम के अंदर आने वाले हैं, और यार हमें तो 100% लोग मेरी टीम के अंदर आएंगे। सिंचन अभी तू भी एक्सपर्ट है, चॉप भी एक्सपर्ट है, हम तीनों के तीनों एक्सपर्ट हैं। लेकिन अभी सामने की तरफ यार गाइस मेरे ख्याल से एक जंप है और मोटरबाइक स्लो हो गई थी लेकिन हो गया लिटरली में। यार गाइस एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे लेकिन किस्मत लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी है। यही बात तो मैं सोच रहा हूं, पता नहीं किस तरह क्लियर कर लिया आपने यार, मुझे खुद पता नहीं चला चॉप, लेकिन क्लियर हो गया। और अभी सामने की तरफ एक और जंप है। ये मोटरबाइक वाला रास्ता भी कुछ ज्यादा खतरनाक है यार गाइस, मुझे इसको भी क्लियर करना है। मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज हामेटी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तो मुझे पता है खतरनाक होता है लेकिन अभी बताओ कि मैं क्या करूं। अरे यार हामेटी आप तो बीच में फंस गए। हां ना सिंचन बीच में फंस गए और मुझे पता है कि मैं सामने की तरफ नहीं जा सकता हूं। अरे तो फिर तुम्हें पीछे से स्पीड पकड़ के आना चाहिए था ना। पीछे से स्पीड पकड़ के, हां बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन अभी क्या करूं। अभी क्या करोगे तुम, नीचे गिरोगे और क्या करोगे। लेकिन मोटरबाइक के अंदर टर्बो नहीं है क्या। नहीं नहीं मेरे चैलेंज के अंदर किसी भी चीज के अंदर कोई भी टर्बो नहीं होता। टर्बो के बगैर तो यार गाइस ये इम्पॉसिबल है। मुझे पता था कि मैं नीचे गिरूंगा लेकिन यार हमें तो मुझे लगता है कि मोटरबाइक वाला रास्ता तो इम्पॉसिबल है। हां सिंचन मुझे भी ऐसा ही लगता है, टर्बो के बगैर पता नहीं कैसे होगा। अभी हम लोग दोबारा ट्राई करके देखेंगे। वैसे भी अभी तेरी बारी है ना, मैं देखता हूं कि तू क्या करता है। लेकिन यार हमें तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। सिंचन अभी तक तो मैं काफी ज्यादा ओपी खेल रहा हूं, अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं जीतने की, और हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। ऐसे कैसे आप जीतोगे, आपसे ज्यादा कोशिश मैं कर रहा हूं यार। ठीक है चॉप अभी सिंचन के बाद तेरी बारी है ना, मैं देखता हूं कि तू क्या करता है। पहले तुम लोग मोटरबाइक वाले रास्ते को तो क्लियर कर लो, उसके बाद सोचना कि कौन जीतेगा। मैं समझ गया हूं यार गाइस, ये जो मोटरबाइक वाला रास्ता है ना ये इस वाले बंदे ने इम्पॉसिबल बना के रखा है। लेकिन अभी देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और यही टेक्निक थी। मैं समझ गया हूं यार गाइस, इस वाले रास्ते को क्लियर करने की यही टेक्निक थी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि हामेटी ब्रेक नहीं लगानी बीच में। ठीक है मैं समझ गया हूं, ब्रेक नहीं लगानी है लेकिन मेरी बारी वेस्ट हो गई है। तो फिर यार हमें तो अभी तो आपकी बारी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी सिंचन, तुझे क्या लगता है कि तू पूरा का पूरा रैंप क्लियर करेगा क्या। अरे हां यार हमें तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है तो फिर वो हम लोग देख लेंगे यार गाइस। मोटरबाइक वाला रास्ता मुश्किल है लेकिन सिंचन फिर भी इसको क्लियर कर रहा है, और ये रास्ता इससे नहीं होगा। भाई साहब पता नहीं क्या ही कर रहा है, नॉन स्टॉप जा रहा है आगे की तरफ और यहाँ पे रुक गया। इतना मुश्किल रास्ता कैसे कर सकता है तू। अरे यार हमें तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटरबाइक को कंट्रोल किया था। काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है यार गाइस, सिंचन ने सिर्फ और सिर्फ रेस देके अपनी मोटरबाइक को कंट्रोल किया, और ये देखो यार गाइस लिटरली में इम्पॉसिबल रास्ते क्लियर कर रहा है। इतने ज्यादा खतरनाक रास्ते मुझसे कभी नहीं क्लियर होंगे यार, मुझे भी मुश्किल लग रहा है चॉप, लगता है कि मुझसे भी नहीं क्लियर होंगे। बट यार गाइस सिंचन काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है और ऊपर नहीं जा पाया। मैं तो अभी तक इस गाड़ी वाले रास्ते पे फंसा हूं लेकिन आप लोग बहुत आगे पहुंच गए हो यार। हां चॉप मैं इतना आगे नहीं पहुंचा हूं लेकिन सिंचन काफी ज्यादा आगे पहुंच गया। लेकिन तू भी गाड़ी को बढ़िया कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है कि भाई साहब चॉप भी क्लियर करेगा यार गाइस। चॉप ने पूरा का पूरा रास्ता तो ऑलरेडी देख के रखा है। रास्ता तो मैंने देख के रखा है लेकिन मोटरबाइक वाला रास्ता मुझसे कभी नहीं होगा यार। अभी अगर चॉप तू ऐसे बोलेगा तो फिर तो वाकई में तुझसे नहीं होगा। ठीक है तो फिर मैं क्या बोलूं, मुझे इतना खतरनाक रास्ता लग रहा है ना यार। रास्ता खतरनाक है चॉप, लेकिन अगर तू पहले ही बोलेगा कि तुझसे नहीं होगा फिर तुझसे कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है तो फिर मैं बोलता हूं कि मुझसे हो जाएगा यार। हां चॉप अब अगर तू ऐसे बोलेगा तो उसके बाद भी नहीं होगा क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। सिंचन का एक्सपीरियंस है यार गाइस, मोटरबाइक का मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ओपी खेला है सिंचन ने। और चॉप बच गया, मुझे लगा था कि नीचे गिरेगा बट यार गाइस ये बच गया है। अभी तो शुरुआत है बस, अब देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं यार। ठीक है चॉप वो तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि तू क्या करता है। रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है चॉप, तूने नॉन स्टॉप जाना है। अगर तूने कहीं पे भी ब्रेक मार दी उसके बाद ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यार गाइस। चॉप की मोटरबाइक की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूं, ये तो रुक ही नहीं रहा यार गाइस, पूरे के पूरे रास्ते को एक ही गो में क्लियर कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सामने वाली जंप भी लगा लेगा। भाई साहब मानना पड़ेगा बहुत ओपी खेला था लेकिन
लेकिन मोटर बाइक को हवा में कंट्रोल नहीं किया। लगता है कि हाँ बेटी तुम लोग टेक्निक समझ गए हो। हाँ टेक्निक तो हम लोग समझ गए यार गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी है, बिल्कुल एक ही स्पीड में हम लोगों ने सारे के सारे रास्ते को क्लियर करना है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला आमिटी, तुम्हें नॉन स्टॉप जाना होगा आगे की तरफ। वो तो मुझे पता चल गया है, लेकिन साथ में काफी ज्यादा डर भी लग रहा है यार गाइस। चॉप ने भी ओपी खेला है, सिंचन ने भी काफी ज्यादा अच्छा खेला है, और अभी आती है मेरी बारी। चाहे कुछ भी हो जाए पूरे के पूरे रास्ते को मुझे क्लियर करना होगा, रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे मोटर बाइक की स्पीड भी बहुत तेज है। आई होप कि यार गाइस हो जाएगा, कुछ भी करके मुझे क्लियर करना होगा। और भाई साहब हो गया फाइनली यार गाइस, रास्ता मैंने क्लियर कर लिया है और जंप मुझे लगानी पड़ गई, क्योंकि अगर मैं जंप नहीं लगाता तो फिर उसके बाद हो सकता था कि मैं नीचे गिर जाता। लेकिन यार हमें तो ये किस तरह कर लिया आपने सिंचन, वही पहले वाली टेक्निक नॉन स्टॉप सीधा मैं आया था आगे की तरफ, बट यार गाइस अभी सामने की तरफ हेलीकॉप्टर वाला रास्ता है। शाबाश आमिटी बहुत बढ़िया खेल रहे हो, लगता है कि क्लियर करोगे तुम। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज मैं क्लियर करूंगा, लेकिन संभल के ये हेलीकॉप्टर वाला रास्ता भी बहुत खतरनाक है। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल तो मैं बहुत ही ज्यादा ओपी करता हूँ, बस तुम अभी देखते जाओ कि यहाँ पे होता क्या है। लेकिन यार हमें तो मोटर बाइक वाला रास्ता हम लोग से कैसे होगा, मुश्किल है सिंचन, मोटर बाइक वाला रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटर बाइक को कंट्रोल करना है, और याद रहे कहीं पे भी तुम लोगों ने ब्रेक नहीं मारनी। ब्रेक तो हम लोग नहीं मारेंगे, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल्स भी तो है ना यार। हाँ ऑब्स्टेकल्स तो है बीच में काफी ज्यादा, लेकिन हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है आमिटी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, मैं सिंचन और चौप को बस वैसे ही बोल रहा था। नहीं नहीं आमिटी, जो चीज मुश्किल है वो मुश्किल ही है। चलो ठीक है, तो सिंचन और चौप मुश्किल है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुश्किल है, बट मुझे भी हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करना है। वो फुटबॉल मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा दूर चला गया है। अरे यार हमें तो आपने तो गोल कर दिया। हाँ सिंचन ये देख, हेलीकॉप्टर से गोल कर दिया मैंने, बट अभी सामने की तरफ गाड़ियां हैं। और ये क्या यार गाइस, ये गाड़ियां काफी ज्यादा पुरानी लग रही है मुझे। गाड़ियां पुरानी है लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा चलो ठीक है, सामने की तरफ लॉस सैंटोस कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहना है कि तुम लोग लॉस सैंटोस तक नहीं पहुंचोगे। हाँ वो तो मुझे पता है, लॉस सैंटोस तक तो ये वाली गाड़ी नहीं जाने वाली है, लेकिन मुझे सामने की तरफ चेक करना होगा यार गाइस। ये तो काफी ज्यादा इजी है, इतनी दफा मैंने ये वाली जंप्स लगाई है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं यार गाइस। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने हवा में अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, लेट्स गो। आई होप कि यार गाइस हो जाएगा। अभी तक तो मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा ओपी कंट्रोल कर रहा हूं। हो जाओ प्लीज हो जाओ। नहीं 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 नहीं, हो गया यार गाइस फाइनली, ये भी मुझसे क्लियर हो गया है। तुम तो आमिटी ब्रेक ही नहीं लगा रहे हो। हां ना अंकल, वो कहना कि मैं काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूं और ब्रेक लगाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो ठीक है फिर, तुम समझो कि तुम जीत गए हो। क्या बात कर रहे हो, ये बोट वाला आखिरी रास्ता है क्या? अरे नहीं आखिरी तो नहीं है, लेकिन अभी काफी ज्यादा रास्ता रहता है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन यार गाइस ये देखो, ये पूरा का पूरा रास्ता हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज है यार गाइस, लिटरली में ये बहुत ही ज्यादा ओपी होता है, और मेरे मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज का प्राइस भी बहुत ज्यादा ओपी होगा। मैक्सिकन माफिया वाले हफ्ते में 3-4 दफा आते हैं, बट यार गाइस रैंप ये लोग बहुत ओपी लेकर आते हैं। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग सारे के सारे रैंप्स को क्लियर किस तरह कर लेते हो। अंकल हम लोग डेली खतरनाक रैंप चैलेंजेस को क्लियर करते हैं, इसलिए हम लोग का अभी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। चलो ठीक है, लेकिन आज तक तुम लोग कभी हारे नहीं हो क्या? नहीं, वो क्या है ना कि अंकल हम लोग तीन है, मैं भी हूँ, मेरे साथ सिंचन भी है और चॉप भी है। कभी मैं जीतता हूँ, कभी सिंचन जीतता है, और कभी चॉप जीत जाता है। अच्छा तो फिर देखते हैं कि आज का चैलेंज कौन जीतता है। आज का चैलेंज तो अंकल आप समझो कि मैं जीत गया हूँ। सामने की तरफ एरोप्लेन है ना? हाँ हाँ बेटी, सामने की तरफ एरोप्लेन वाला रास्ता है। एरोप्लेन उड़ाने आता है तुम्हें? मुझे आपने हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए तो देख लिया होगा, अभी मैं आप लोग को एरोप्लेन उड़ा के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये बोट लगता है कि कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गई है। अरे हाँ हमें लगता है कि आपने एक और गोल कर दिया। लेकिन सिंचन अब की बारी मैंने बोट से गोल किया है। काम करता हूँ कि सबसे आगे वाला फाइटर जेट चूज करता हूँ। रास्ता मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो सामने की तरफ ट्यूब है ना यार गाइस, ये बहुत खतरनाक है। तो फिर यार हमें तो आप इसको किस तरह क्लियर करोगे, यही मैं सोच रहा हूँ सिंचन। बाकी तो सारा का सारा रास्ता इजी है, बट यार गाइस ये सामने वाला रास्ता कुछ खतरनाक लग रहा है। एक काम करता हूँ ना, कि वैसे भी हम लोग के पास फाइटर जेट है यार गाइस, फाइटर जेट से तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप धीरे धीरे आगे की तरफ जाओ यार। चौप अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे मुड़ गया ना, उसके बाद ये फाइटर जेट मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक काम करते हैं कि यार गाइस जल्दी से फाइटर जेट को चूज करते हैं। और वैसे भी अंकल मेरे ख्याल से हो गया है। अरे नहीं आमिटी, फाइटर जेट के बाद मॉन्स्टर ट्रक वाला रास्ता भी आएगा। तो फिर इसका मतलब ये कि अभी हम लोग को और भी मजा आने वाला है। मुझे लगता है कि अभी आप यहाँ पे नीचे गिरोगे, उसके बाद मेरी बारी आएगी। यार नहीं आएगी चौप, मेरे ख्याल से तेरी बारी नहीं आने वाली है, क्योंकि यार गाइस मैं काफी ज्यादा ओपी खेल रहा हूँ। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पार्कोर मैं क्लियर करूंगा। हाँ यार गाइस चाहे कुछ भी हो जाए पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करना होगा। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्लीज रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। बच गया मैं, लगता है कि मैं बच गया हूँ यार।
यार गाइस, काफी ज्यादा अजीब सी लैंडिंग की है मैंने। वैसे किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ अंकल, मुझे पता है कि मैंने काफी ज्यादा ओपी खेला है और अभी यहाँ पे खड़ी है ये वाली गाड़ियाँ। बंदे ने हम लोग को बोला था कि मॉन्स्टर ट्रक्स होंगे, लेकिन यार गाइस ये तो ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं। ये भी बहुत ज्यादा ओपी होती है आमिटी, आखिरी रास्ता है पता है ना। ठीक है, तो फिर अभी चाहे कुछ भी हो जाए यार गाइस, मुझे जीतना पड़ेगा क्योंकि ये आखिरी रास्ता है और ये तो मैं क्लियर करके रहूंगा यार गाइस। पूरा का पूरा फोकस है मेरा इधर। लेकिन यार हमें तो आप तो नीचे गिर गए, ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा आगे पहुंच गया था। अरे ये क्या कर दिया हामिटी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ यार गाइस, लिटरली मैं मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई है। लेकिन देखते हैं कि अभी सिंचन क्या करता है। अरे यार हमें तो मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर लूंगा। तेरी स्पीड देख के मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तू पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर लेगा। और भाई साहब ये चेक करो, इतना ज्यादा ओपी खेल रहा था यार गाइस, ये पता नहीं एंड पे जाके क्या हो गया। मुझे लगता है कि अभी मैं जीतूंगा यार। लेकिन यार चुप, अभी तो मेरी बारी है। मुझे पता है कि तुमसे तो रास्ता क्लियर होगा नहीं, उसके बाद मेरी बारी है, मैं पूरे का पूरा पार्कोर क्लियर करूंगा यार। पता नहीं कैसे हो गया यार गाइस, ये मुझसे पता नहीं कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे यार हमें तो लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सिंचन इतना ज्यादा आगे पहुंच गया था यार गाइस, अगर पहले हार जाता तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन बिल्कुल एंड पे पहुंच गया था यार गाइस, वो मॉन्स्टर ट्रक वाला आखिरी रास्ता है। मैंने बोला था अमेटी के चांस तुम्हारे पास बहुत बढ़िया है, चांस का फायदा उठाओ। उठा रहा था अंकल, फायदा ही उठा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि अभी आप हार जाओगे। मुझे छोड़ सिंचन, मुझे लगता है कि तेरा हेलीकॉप्टर फटेगा, काफी ज्यादा धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से। लेकिन यार गाइस अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप हार गए यार। हारा नहीं हूं चौप, अगर एक दफा सिंचन नीचे गिर गया ना, उसके बाद वापस से मेरी बारी आ जाएगी। ऐसे कैसे आपकी बारी आ जाएगी, सिंचन के बाद मेरी बारी है। सिंचन के बाद तेरी बारी है, तुझसे मुझे डर नहीं लग रहा चौप। मुझे पता है कि तू तो कभी भी नहीं क्लियर कर पाएगा, लेकिन सिंचन एक्सपर्ट है यार गाइस। मुझे लगता है कि सिंचन कुछ ना कुछ करेगा, जंप तो इसने काफी ज्यादा ओपी लगाई है। और फाइनली यार गाइस ये रास्ता भी सिंचन ने क्लियर कर ही लिया है। अभी ये सामने की तरफ बोट वाला रास्ता है, मुझे लगता है कि ये भी कर लेगा। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि आप हारने वाले हो। सिंचन गिर जाना किसी तरीके से, या फिर अपनी बोट को ब्लास्ट कर दे। अरे नहीं नहीं, मेरे चैलेंज के अंदर ऐसे कोई भी नहीं करेगा। तो अंकल आपको क्या लगता है कि सिंचन इतना अच्छा है कि वो खुद हार के मुझे जिता देगा। अरे हाँ ना अंकल, आप कितने ज्यादा पागल हो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा था कि तुम हामिटी के कहने पे अपनी बोट को ब्लास्ट कर दोगे। सिंचन मर जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करेगा यार। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिंचन जीतने वाला है यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी खेल रहा है। और ये गई इसकी बोट, गई भाई साहब बोट गई। मुझे लगता है कि बोट फटेगी, एक मिनट नहीं बच गया। और यार हमें वो देखो सामने की तरफ एरोप्लेन वाला रास्ता भी आ गया है। सिंचन ये एरोप्लेन तेरा क्रैश होगा, मुझे लगता है कि यार गाइस सिंचन एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर पाएगा। मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ, सिंचन एक दफा नीचे गिर जाए ना, उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी यार। तुझे अपनी बारी की पड़ी है चौप, मुझे अपनी बारी की पड़ी है। और मुझे अपने प्राइस की पड़ी है, मुझे लगा था कि तुम लोग से नहीं होगा, लेकिन तुम लोग तो बहुत ओपी खेल रहे हो। अंकल अभी देखो रैंप जिस तरह का भी हो, क्लियर तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन याद रहे जितने फाइटर जेट्स खड़े हैं सिर्फ वो ही हैं, उनके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है अंकल, लेकिन आपने देखा सिंचन ने फाइटर जेट को कहां से बचाया है। देख रहा हूं मैं, सब कुछ देख रहा हूं, ये छोटा बच्चा भी कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है। वही ना अंकल, ये सिंचन भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और एरोप्लेन इसका ब्लास्ट होगा, मगर एक मिनट, ब्लास्ट हो गया और सिंचन गया नीचे। सिंचन नीचे नहीं गया यार गाइस, बच गया ये। और यार हमें तो, मैं आपके पास पहुंच गया हूं। मेरे पास तो पहुंच गया सिंचन, लेकिन अभी ये आखिरी रास्ता है, अब क्या कर सकते हैं यार गाइस, सिंचन ने बहुत ओपी खेला है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी का वेट हो रहा है, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी यार। अपनी बारी को छोड़ चौप, फिलहाल ये देख सिंचन कितना ज्यादा ओपी खेल रहा है। मुझे तो लगता है कि यार गाइस सारा का सारा रास्ता ये क्लियर कर लेगा। और एक मिनट, गिर ही नहीं रहा यार गाइस, बहुत ज्यादा ओपी कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को, लेकिन यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे भी बच गया। अरे हाँ यार हमें, मैं तो सीधा एंड पे जाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि यार गाइस आज का प्राइस सिंचन को मिलेगा। मुझे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है यार। रोने को छोड़ चौप, ये देख यहाँ पे गाड़ियाँ चेंज हो गई है, सिंचन गिरा नीचे लेकिन फिर बच गया है। आमेटी खैर है, छोड़ दो, मुझे लगता है कि सिंचन जीत गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज का पार्कोर सिंचन जीत गया है। नहीं आमेटी नहीं, पार्कोर नहीं, मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज, वो भी मैक्सिकन माफिया का। अच्छा ठीक है, अभी तुम अपनी तारीफ में कर लो, मैं यहाँ पे हार गया हूँ। लेकिन यार हमें तो अभी तक तो क्लियर हुआ ही नहीं है। सिंचन अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा ना, देख गाड़ी कितनी ज्यादा ओपी है, इसके अंदर टर्बो भी होता है। लेकिन वो देखो सामने की तरफ, क्या चीज है यार, ये क्या चीज बना के रखी है आपने। अरे आमेटी ये लास्ट जंप है, अगर सिंचन ने ये जंप लगा ली तो उसके बाद सामने की तरफ इसको प्राइज मिलेगा। गिरेगा यार गाइस, सिंचन गिरेगा यहाँ से, ये जंप बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन यार हमें तो, मेरी गाड़ी के अंदर टर्बो भी है। मुझे पता है सिंचन गाड़ी के अंदर टर्बो है, लेकिन इस वाली गाड़ी का टर्बो ज्यादा ओपी काम नहीं करता है। ये बात तो है आमेटी, इस वाली गाड़ी का टर्बो मैनुअली काम करता है। काफी ज्यादा टेक्निक चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। सिंचन टर्बो तो निकालेगा, लेकिन टर्बो बंद भी करना होता है। तो क्या हमें, मुझे टर्बो भी निकालने आता है और साथ में टर्बो को बंद करने भी आता है। अबे यार गाइस, गया 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 सिंचन नीचे। मुझे लगा था कि जीतेगा, बट नहीं यार गाइस, सिंचन नीचे गिर गया है। सिंचन तो नीचे गिर गया, लेकिन आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो यार। क्योंकि चौप, सिंचन के बाद तेरी बारी है और मुझे पता है कि ये रास्ता तुझसे क्लियर नहीं होगा, उसके बाद मेरी बारी।
आ जाएगी। पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो आप, ये रास्ता में इजीली क्लियर कर सकता हूँ यार। वो तो अभी हम लोग देख लेंगे यार। गाइस गया 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 चौप नीचे, बट नहीं यार गाइस अभी तक काफी ज्यादा ओपी खेल रहा है, यहाँ पे भी नहीं गिरा। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि चौप क्लियर कर लेगा। नहीं सिंचन, ये क्या किया चौप तूने, इतना ज्यादा प्रेशर आपने मुझे दिया, मैं आज के बाद आपके साथ नहीं खेलूंगा यार। मैंने कौन सा प्रेशर दिया चौप, फजूल में आप लोगों ने मेरे साथ इतनी ज्यादा बातें की, मेरे साथ चीटिंग की आप लोगों ने यार। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं बोला। देखो चौप अभी रोना बंद करो, किसी ने कुछ भी नहीं किया, तुमसे मोटर बाइक कंट्रोल ही नहीं हुई, ये सब कुछ आप लोग की वजह से हुआ यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं चौप, हार जीत होती रहती है। याद रहे हामिटी, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो मुझे पता है कि यार गाइस चांस मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है, जो भी करना है मैंने इस एक बारी के अंदर करना है। गाड़ी को मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं जीतूंगा। ऐसे कैसे जीतोगे, मुझे पता है कि आप हारोगे यार। चौप अभी अगर तू हार गया तो फिर तुझे लगता है कि मैं भी हारूंगा, लेकिन वो कहना कि ऐसा होने वाला है नहीं। काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता था, बट हम लोगों ने वो भी क्लियर कर लिया। अभी सामने की तरफ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यार हमें तो आप वो जंप किस तरह लगाओगे, लगा के बताता हूँ। सिंचन पहले मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करूंगा, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि जंप किस तरह लगानी है। नहीं होगा आपसे भी कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये रास्ता बहुत मुश्किल है यार। चौप तू अभी तक जीतने के सपने देख रहा है क्या? सपने देख रहा हूँ और देखता रहूंगा, जब तक आप हारोगे नहीं मैं जीतने के सपने देखता रहूंगा यार। ठीक है फिर एक काम करके तू जीतने के सपने देख और मैं कोई ना कोई प्लान बना के सामने वाली जंप लगाता हूँ। लेकिन यार हमें तो ये जंप बहुत ज्यादा मुश्किल है। जंप तो मुश्किल है सिंचन, लेकिन कोई ना कोई प्लान तो होगा। मुझे तो लगता है कि हामिटी ये जंप तुम भी नहीं लगा पाओगे। वो तो अभी अंकल हम लोग देख लेंगे कि ये जंप मैं लगा पाता हूँ या फिर नहीं। और हो गया यार गाइस, काफी ज्यादा मुश्किल था बट मैंने कर लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लगा ली तुमने जंप। अपनी तरफ से आपने रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक बना के रखा था, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया है। वैसे एक्सपीरियंस भी है और किस्मत भी अच्छी है तुम्हारी, वो सब तो ठीक है, लेकिन यार गाइस ये गाड़ियां चेक करो कितनी ज्यादा ओपी है, साथ में ढेर सारे डायमंड्स भी हैं। लेकिन यार हमें तो सबसे ज्यादा ओपी तो ये वाली गाड़ी है। मैं भी वही देख रहा हूँ सिंचन, ये तो रोल्स रॉयस है यार गाइस, ये लिटरली में काफी ज्यादा ओपी है। सिर्फ ओपी नहीं हामिटी, आधी गोल्ड की और आधी डायमंड की है, मानना पड़ेगा यार गाइस। गोल्ड की गाड़ी देखी थी लेकिन ये गोल्ड और डायमंड का मिक्सचर है। लेकिन यार हमें तो ये वाली गाड़ी हम लोग को अंदर से दिखाओ। ठीक है सिंचन, ये देखिए गाड़ी अंदर से दिखने में कितनी ज्यादा ओपी है, लेकिन इस वाली गाड़ी में एक और भी बहुत ज्यादा ओपी फीचर है यार गाइस, वो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये चेक करो, हम लोग की मस्त वाली गाड़ी की रेड कलर की छत है। इतनी ज्यादा लग्जरी गाड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी यार। लग्जरी तो है चौप, काफी ज्यादा लग्जरी है। और अभी तुम लोग इस वाली गाड़ी की लुक्स चेक करो यार गाइस, ये मेरी फेवरेट है। हामिटी इस वाली गाड़ी को तुम ही डिजर्व करते हो, मानना पड़ेगा यार गाइस। डायमंड और गोल्ड का मिक्सचर है, लेकिन मुझे अभी इसको लॉस सैंटोस लेके जाना है। और सिंचन और चौप तुम लोग एक काम करो कि ये ब्लैक वाली एक गाड़ी तू रख ले और ये दूसरी ब्लैक वाली गाड़ी सिंचन की। इसका मतलब ये कि एक गाड़ी मेरी और एक सिंचन की यार। हाँ चौप, एक गाड़ी तेरी और एक गाड़ी सिंचन की, ये सारे के सारे डायमंड्स मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन यार हमें तो इस वाली गाड़ी को लॉस सैंटोस लेके जाओ। ठीक है सिंचन, ये वाली गाड़ी सीधा यहाँ से जाने वाली है लॉस सैंटोस के अंदर यार गाइस। इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, नॉन स्टॉप जा रही है आगे की तरफ। आई होप के यार गाइस ये क्रैश नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि आपकी गाड़ी टूटेगी यार। ऐसे कैसे टूटेगी चौप, पागल है क्या? अरे यार हमें तो जंप बहुत ज्यादा ओपी थी। सिंचन जंप ओपी थी लेकिन गाड़ी का बम्पर टूट गया है। अरे चलो खैर है, कोई बात नहीं, रिपेयर करा लेना। हाँ अभी तो मुझे यही करना पड़ेगा, बट यार गाइस गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है। अगर आप लोग को मेरी ये वाली गाड़ी और आज वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज ओपी लगा तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और खतरनाक मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।